सेकेंड लोगोज बाइबल राइटिंग कॉम्पिटिशन के इस एपिसोड में हमारे साथ में सरीना फर्नांडिस जबलपुर से उपस्थित है। सरीना, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू फादर। सरीना, बाइबल लिखने की जो इंस्पिरेशन है आपको कहाँ से प्राप्त हुई? एक्चुअली फादर जी, मैं टीचर हूँ और मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो कंटिन्यूसली मेरा अभी बीएड चल रहा था। फाइनली यू आर डूइंग बीएड एज़ वेल? आई हैव डन। यू हैव ऑलरेडी डन? या। सो ये ईयर ऐसे ही लैप्स हो रहा था मेरा। सो एक सिस्टर मेरे को जस्ट बोली कि सरीना तू बाइबल लिख ले, तो मैं भी सोचने लगी उस बारे में कि लिख लेना चाहिए। फाइनली मई में मैंने डिसाइड किया, मंथ ऑफ मई, टू राइट द बाइबल। सो लिखा फिर मैंने। एंड तो इसके लिए टाइम कैसे निकला? मई में तो छुट्टियां लग गई थी ऑलमोस्ट, तो उस टाइम तो टाइम मिल गया। बट उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम किया जब जून में हम लोग का सेशन स्टार्ट हो गया था। उसमें ये था कि हम लोग का शेड्यूल था 3 बजे तक स्कूल में रहना, उसके बाद देयर आफ्टर ट्यूशन भी मैं लेती हूँ, तो 7 बज जाता था मेरे को ये सब कवर करते। 8 बजे मैं बैठती थी, 8 से 10 ही हो पाता था, लेकिन उसके बाद जो हॉलीडेज मिलती थी, मतलब एक भी हॉलीडे मैं मिस नहीं करती थी। तो बहुत कुछ आपको छोड़ना भी होगा। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आए, बट स्टिल। तो कभी बीच में ऐसा लगा होगा कि छोड़ देना? हाँ, मुझे ऐसा लगा, मीन्स लिटरली मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा था मुझे, फिर लगा, लेकिन नहीं, वो था कि गॉड का इतना ग्रेस था कि मुझे लिखने बन गया। एंड फाइनली आई हैव कंप्लीटेड, मीन्स जो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे ये लगा कि मैं जो स्टार्ट की हूँ सो मुझे वो फिनिश करना चाहिए। इसके बीच में कोई आपके लाइफ में कोई ग्रेसेस मिला हो इस वजह से? हाँ, बहुत, मतलब बहुत शांति लगी मन में, कुछ नया अनुभव था, लिटरली बहुत न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम। ओके, इसके लिए आपके परिवार भी आपको सपोर्ट किया? हाँ, पूरे टाइम, मतलब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, सबको पता था कि बाइबल लिख रही है, इसका टाइम है, तो नो डिस्टर्बेंस, पूरा फुल सपोर्ट था। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं 7 o'clock तक तो मैं बिजी रहती थी शाम तक, उसके बाद ही मेरे पास टाइम रहता था। तो कौन खास करके आपको सपोर्ट किया? हाँ, अच्छा, ठीक है सरीना, आप चलो, आप लिखो। इन सब के पीछे एक फादर है जी, हिज नेम इज फादर आरोग्य राजा। ओके। बहुत बड़ा हाथ था, मतलब हमेशा वो मेरे को एक टारगेट सेट करके देते थे, इतना लिखना। हाँ, फादर कम फ्रेंड, तो मेरे को टारगेट सेट करके देते थे कि आपको इतना लिखना है, आपको इतना कंप्लीट करना है, एंड मैं कंप्लीट करती थी। और अभी लिखने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अरे कोई नहीं, कोई चेक नहीं होता, रैंडम करेक्शन होता है ये वो, बट मैं बोली नहीं, अब मैं शुरू की हूँ तो मैं लिखूँगी चाहे जो, एंड लिख दी, बहुत अच्छा लगा फादर जी। और जब रिजल्ट आया तो बाप रे, मतलब मैं शायद 7वें आसमान में थी, आई वाज द फर्स्ट वन इन द डायसिस। या, सो थैंक यू फादर जी। अब अपना बाइबल हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। सरीना, हमारे दर्शकों को बाइबल आपके दिखाने के साथ साथ उसको खोलिए भी, और कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है? कवर पेज थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली मुझे बताया गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, तो मैंने इस बार थोड़ा अलग सोचा, मैं बहुत ढूंढी थी, करीब मेरे को 1-2 हफ्ता इसी में ही लग गया था। फाइनली आई सेलेक्टेड दिस वन फॉर द फ्रंट कवर, या, एंड दिस वन इज द बैक कवर। एक्चुअली मुझे बैक कवर तो ज़्यादा अच्छा लगा, बट ये रूथ का लास्ट है, तो सो ये बैक है। सो यहाँ पर सरीना अपने व्यस्त जिंदगी से बहुत समय निकाल कर यहाँ पर बाइबल लिखकर लाई है। फिर से इसे चैलेंज फॉर ऑल द यूथ एंड स्पेशली फॉर दोज उसे वी डोंट हैव टाइम, प्रायोरिटीज बनाने की ज़रूरत है। लाइफ में कुछ भी हासिल करना हो तो आपको अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, टारगेट्स को सेट करना पड़ता है, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। सरीना, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।